हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th की इंग्लिश बिहाई बुक से चैप्टर 4 द लेक ऑफ आइल इन्सफ्री चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जो पोइट हैं विलियम बटलर ईस्ट, वो जो है हमें जाना चाहते हैं वो अपने वहाँ पर टाउन में जहाँ पे वो रहते थे इन्सफ्री, ये एक जगह का नाम है इन्सफ्री, वहाँ पे वो जाना चाहते हैं। वो लेक में, लेक के पास है वो एक लेक, वहाँ पे जो समुद्र आसपास चारों तरफ पानी पानी है, वहाँ पे वो जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पे जो है ग्रो हुए हैं, बड़े हुए हैं वहीं पर, वो उन्होंने अपना सारा टाइम वहीं पर स्पेंड किया है, जब बचपन का सारा टाइम वो वहाँ पे जाना चाहते हैं। और ये पोएम जो है ये गाने की तरह लायरिक है, मीन्स सॉन्ग कह लीजिए, सॉन्ग है बिल्कुल ये। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। I will arise and go now and go to Innisfree. Arise होता है उठूँगा या फिर stand up, वो कहते हैं कि मैं उठूँगा, अब मैं उठ रहा हूँ, मैं उठूँगा, अब जाऊँगा, मैं Innisfree जाऊँगा। And a small cabin built there of clay and wattles made. फिर वो कहते हैं कि एक छोटा सा कमरा बनाऊँगा वहाँ पे जाके, वो भी एक क्ले कैबिन होता है, यहाँ पे जो कैबिन दिया हुआ है सेकंड लाइन में उसका मीनिंग होता है रूम, एक छोटा कमरा बनाएंगे वहाँ पे जाके, ऑफ क्ले मिट्टी का बनाएंगे, एंड वेटल्स, वेटल्स ही होती हैं जो ब्रांचेस होती हैं ट्री की, या फिर जो घर के सामने आप देख, जो घर के जो गाँव में गाँव है वहाँ पे जो घर होता है, देखिए आप जैसे ऐसे ये छोटी छोटी सी बनी रहती हैं घर के सामने ऐसे ऐसे, तो ये सब इसे हम वेटल्स कहते हैं, या फिर ब्रांचेस ऑफ ट्री, जो ब्रांच होती है ट्री की वो वहाँ पे जाके वो बनाएंगे। 9 bean rows विल आई हैव देयर अ हाइव फॉर द हनी बी, और उन्हें कुछ खाना भी होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे जाके 9 rows बनाएंगे, बीन की, बीन होती है वेजिटेबल होती है कि वहाँ पे वो उगाएंगे जाके उनको, और जो हाइव होता है छत्ता, जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ से वो शहद भी ले सकते हैं। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, ग्लेड होता है ओपन स्पेस, और बी लाउड रेफर्स टू द साउंड मेड बाय द बजिंग ऑफ द बीज, बजिंग ऑफ द इंसेक्ट, या ये कह लीजिए आप, ये जो है वहाँ पे जाके वो कहते हैं कि मैं अकेला रहूँगा, बिल्कुल मज़े से रहूँगा वहाँ पे, बिल्कुल खाली स्पेस होगा, आसपास कोई नहीं होगा मेरे, सिर्फ समुंदर होगा, मैं उसकी आवाज़ सुनूंगा चारों तरफ, उसकी आवाज़ सुनूंगा मैं। और बी लाउड होता है कि वहाँ पे एक इंसेक्ट है जो उनकी बजिंग, अपनी आवाज़ करेंगे, उनकी आवाज़ को मैं अच्छी तरह से सुनूंगा, उनकी आवाज़ों को। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फोर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, फिर वो कहते हैं कि जो पीस है वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे जाके मुझे बहुत शांति मिलेगी वहाँ पे जाके, वो शांति है बिल्कुल आराम आराम से जो है शांति मिलती है मुझे। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, क्रिकेट यहाँ पे जो है बैट बॉल है, एक तो वो क्रिकेट होता है वो जो कि बैट बॉल खेलते हैं हम, यहाँ पे वो वाले क्रिकेट नहीं है, ये होता है इंसेक्ट होता है ये एक, वो इससे पहले जो हमने देखा था, जो हमने बीज बी लाउड देखा था वो रेफर करता है बजिंग ऑफ बीज की, ये साउंड होती है जो ये साउंड होती है उनकी बजिंग बीज की, उसे हम बी लाउड कहते हैं। जो क्रिकेट है यहाँ पे इंसेक्ट से रेफर किया गया है। अब व्हील्स होता है घूंघट, जो आपने देखा होगा नहीं, ये जो औरतें हैं जो घूंघट लगाती हैं वो, इसे हम व्हील्स कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि जैसे जो है रात है जो दिन में ढल जाएगी, एकदम से दिन में बिल्कुल ढल जाएगी, रात दिन हो जाएगी, वो एक घूंघट सा मतलब अपना घूंघट उतार देगी, रात से दिन हो जाएगी, जहाँ पे जो फिर वहाँ से वो जो हैं जो वहाँ पे फिर वो गाना गाएंगी, जो इंसेक्ट्स हैं वो उनके जो आवाज़ें हैं वो सुनेंगे वो। देयर मिड नाइट्स ऑल अ ग्लिमर एंड अ नून पर्पल ग्लो, ग्लिमर होता है साउंड विच इज शाइनिंग, समथिंग विच इज शाइनिंग, जो शाइनिंग है बिल्कुल, वो कहते हैं फिर जो रात में है जो शाइनिंग होगी बिल्कुल, और जो जो नून है आफ्टरनून है दिन है वो बिल्कुल पर्पल कलर की तरह ग्लो करेगा बिल्कुल, वो भी शाइन करेगा पर्पल बिल्कुल। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग, लिनेट्स होता है स्मॉल ब्राउन बर्ड, ग्रे बर्ड होता है वो फैन, ये हम विद अ शॉर्ट बीक, ये एक बर्ड कह लीजिए आप, ये बर्ड होता है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड नंबर पे, या बर्ड कह लीजिए ये ग्लिमर को। फिर वो कहते हैं देयर मिड नाइट ऑल ऑफ ग्लिमर, और वहाँ पे जो, और ये तो हमने भी देख लिया, वहाँ पे जो है
सॉरी लिनेट्स एंड इविनिंग फुल ऑफ लिनेट्स विंग, और जो शाम है बिल्कुल लिनेट से भरी हुई होती है, उनकी जो है आवाज़ें बहुत मज़ा आता है उनमें, बर्ड की आवाज़ें सुनते हैं फिर वो। आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, तो कहते हैं अब मैं उठूँगा और जाऊँगा इन स्क्री हमेशा के लिए, डे एंड नाइट यहाँ पे हमेशा के लिए रेफर किया गया है कि रात मैं वहीं पे रहूँगा जाके। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, फिर वो कहते हैं कि वहाँ पे जाके फिर मैं जो है साउंड ऑफ वाटर, मतलब जो है लैपिंग होता है साउंड ऑफ वाटर, जो साउंड ऑफ आवाज़ सुनेंगे चारों, जो लेक के साथ चारों जो पानी है उस वो जो टकराती है जब लैंड से, तो उसकी आवाज़ सुनेंगे वहाँ पे जाके वो। वाइल आई स्टैंड ऑन द रेडवे रोडवे ओन और ऑन द पेवेंट्स ग्रे, चाहे वो रोडवे रोड पे खड़े हो, पेवेंट्स पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, लेकिन आई हेयर इट इन द डीप हर्ट स्कोर, हर्ट स्कोर होता है इनर पार्ट ऑफ द हर्ट, जो इनर पार्ट होता है, लेकिन वो कहीं पे भी हो, लेकिन जो है वो उसकी जो आवाज़ है लेक की, वहाँ पे जो लेक की आवाज़ हो रही है वहाँ पे साउंड ऑफ वाटर, वो जो है अपने दिल में हमेशा सुनते हैं वो, किसी कहीं भी हो लेकिन वो उसकी ही आवाज़ सुनते हैं। सो इसी के साथ हमने जो है चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, बिकॉज आपको अनवाइल नोटिफिकेशन वीडियोज़ के मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।